हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो नैनो मिस्ट स्प्रे अगर आपका ख़राब हो जाता है, जिसे हम हैंड सैनिटाइजर जैसा भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे, तो इससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है। और फ्रेंड्स, आपको इस नैनो मिस्ट स्प्रे का अनबॉक्सिंग का भी वीडियो देखना है तो आपको ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका जो वाटर टैंक है इसे खाली कर लेंगे, और उसके बाद जो जहां से ये स्प्रे मशीन चार्ज होता है उसी के बगल में आपको एक छोटा सा स्क्रू दिखेगा। इस स्क्रू को खोलने से दोस्तों हमारा स्प्रे मशीन लगभग खुल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसका स्क्रू खोल दिया है। अब हल्का से आपको थोड़ा सा फोर्स देना है, ये पीछे से इसका ढक्कन निकल जाएगा, जो इसका कवर है वो निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है आपका स्प्रे मशीन। इसके अंदर में एक छोटा सा सर्किट होता है दोस्तों, जिसमें हमारा चार्जिंग मॉड्यूल लगा हुआ है, और इसके पीछे एक बैटरी दिया हुआ है छोटा सा, और एक हमारा मिस्ट स्प्रे दिया है। दोस्तों, इसका जो वाटर टैंक है, इसके वाटर टैंक नीचे से आपका कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, जो हमारा मिस्ट स्प्रे है उसके साथ। और दोस्तों, इसका वाटर टैंक, मिस्ट स्प्रे, चार्जिंग मॉड्यूल और जो बैटरी है वो एक प्लास्टिक फ्रेम में फिक्स किया गया है बहुत अच्छे से, जिसे मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, जो हमारा मिस्ट स्प्रे है ये इसे फिक्स कर दिया गया है वाटर टैंक के साथ, और जो हमारा बैटरी है ये बैटरी को ऊपर में कनेक्ट किया गया है यहाँ हमारा चार्जिंग मॉड्यूल के साथ दोस्तों। और जो हमारा बैटरी है वो हिले ना, इसीलिए इसमें एक टेपिंग किया गया है दोस्तों, कि बैटरी हमारा एक जगह पर फिक्स रहे। इस टेपिंग को भी मैं निकाल देता हूँ। अगर दोस्तों आपका इसका बैटरी ख़राब हो जाता है तो आप बहुत इजी तरीके से इसका बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। इसमें 3.5 वोल्ट का लिथियम आयन का बैटरी लगता है दोस्तों, जिसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि आपका जो बैटरी का साइज़ है ये इस साइज़ से थोड़ा बड़ा होगा तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों, अगर बहुत बड़ा होगा तो दोस्तों वो अच्छे से फिक्स नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपका मिस्ट स्प्रे ख़राब होता है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे भी एक आप डिसोल्ड करके यहाँ से हटा सकते हैं, और इसमें एक जो स्विच है उस स्विच को भी आप डिसोल्ड करके हटा सकते हैं, अगर ये आपका कुछ ख़राब होता है तो दोस्तों इसे आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे। और दोस्तों, हमारा मिस्ट स्प्रे मशीन जो है ये हमारा मोबाइल चार्जर से चार्ज हो जाता है, तो इसमें जो पोर्ड है वो हमारा मोबाइल चार्जिंग वाला पोर्ड है। अगर आपका ये पोर्ड ख़राब होता है तो आप कोई भी मोबाइल शॉप में जाके इसे रिपेयर करवा सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको इस मशीन को खोल के दिखा दिया कि इस मशीन को आप कैसे खोल सकते हैं, इसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, ये मशीन को आप खुद रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे। इसका अगर मिस्ट स्प्रे ख़राब होता है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका स्विच ख़राब होता है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाता है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, और आपका जो चार्जिंग पोर्ड है वो भी ख़राब हो जाता है तो कोई भी मोबाइल शॉप में जाके उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। बात रहा दोस्तों इसका मिस्ट स्प्रे कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं अभी इसमें सैनिटाइज़र डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मिस्ट इसका कैसे काम करता है। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, हमारा ये नैनो मिस्ट स्प्रे काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जहाँ से हमारा मिस्ट स्प्रे निकल रहा है वहाँ पे एक छोटा सा प्लेट रहता है दोस्तों। ये प्लेट जो है दोस्तों, ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और दोस्तों, ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता अच्छे से। आप एक काम करो, आप गूगल में जाकर सर्च कर लो, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको गूगल बहुत अच्छे से बता देगा कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और इसे कहां कहां यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इस स्प्रे मशीन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, अब मैं इसे फ़िक्स कर देता हूँ दोस्तों। इसे फ़िक्स करने के बाद मैं आपको इसे चला के दिखाऊँगा कि ये दोबारा काम करता है कि नहीं करता है। और दोस्तों, ये मिस्ट स्प्रे मशीन आपको ऑनलाइन बहुत महंगा मिलेगा दोस्तों। आप इसे अपने लोकल कोई भी मोबाइल शॉप में जाके वहां से परचेस करेंगे तो दोस्तों आपको कम से कम 100 से 50 रुपए का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग से। तो इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा लोकल मार्केट प्रेफर करता हूं। तो यहां पे मैंने दोस्तों इसका स्क्रू टाइट कर दिया है, अब मैं इसमें सैनिटाइज़र को डाल के चेक करूँगा कि मेरा सैनिटाइज़र स्प्रे दोबारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।